क्लास 7 आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, मिट्टी के कुछ गुण देखेंगे कि मिट्टी में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। यू हैव लिस्टेड सम यूजफुल ऑफ सॉइल, यू हैव लिस्टेड सम यूजेज ऑफ सॉइल, आप सबको कुछ सॉइल के यूजेस को लिस्ट करना है। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, सॉइल के गुण को पता लगाने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे हमें सॉइल के गुण के बारे में पता चलेगा। मीन्स हमें मिट्टी के गुण को जानने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। तो चलिए एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करते हैं। परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, परकुलेशन रेट क्या होता है पानी का मिट्टी में, सबसे पहले इसको देखते हैं। बूजू एंड पहली मार्क टू डिफरेंट स्क्वायर ऑफ 50 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर ईच। बूजू और पहली क्या करते हैं कि 50 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर, लंबाई 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर की एक स्क्वायर बनाते हैं। वन ऑन फ्लोर ऑफ देयर हाउसेस, एक बनाते हैं वो अपने घर के ज़मीन पे, जो उनकी घर है उसकी ज़मीन पे बनाते हैं। एंड अदर ऑन द कच्चा अनपेव्ड रोड, और दूसरा वो बनाते हैं कच्चे रोड पे, जो रोड होता है कच्चा रोड जो होता है वहाँ पे बनाते हैं। दे फिल टू बॉटल ऑफ सेम साइज विथ वाटर, उसके बाद एक बॉटल ले लेते हैं जिसमें सेम साइज़ का पानी भर देते हैं, यानी एक बॉटल लेके दोनों में समान मात्रा में पानी भर देते हैं। दो बॉटल लेंगे और दोनों में समान मात्रा में हम पानी भर देंगे। दे इम्पटीट द वाटर फ्रॉम द बॉटल, उसके बाद से क्या करते हैं कि वह उसको खाली करते हैं, बॉटल को खाली करते हैं, जिस बॉटल में पानी भरा रहता है उसको खाली करते हैं। वन ईच एट द सेम टाइम इन द टू स्क्वायर, और उस पानी को कहाँ गिराते हैं, जो दोनों स्क्वायर वो बनाए हुए थे उस जगह पर गिराते हैं। दे ऑब्जर्व डैट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोट डाउन एंड वॉज नॉट एब्जॉर्ब, तो हमको ये दिखाई जो ज़मीन पर हम पानी दिखाएंगे वो जो ज़मीन पर हम पानी गिरा रहे होंगे वो क्या हो जाएगा, बहने लगेगा, ठीक है। ऑन द कच्चा रोड ऑन द अदर हैंड द वाटर वॉज एब्जॉर्ब, जो हम फर्श पे पानी गिराए वो बह गया, लेकिन जो कच्चे रोड पे स्क्वायर बना था उस पर पानी गिराए तो क्या हुआ, वहाँ पे मिट्टी थी तो वो पानी को क्या करने लगी, एब्जॉर्ब करने लग गई, सोखने लग गई। नाउ लेट परफॉर्म ए एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस, तो यहाँ पे अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें परकुलेशन रेट के बारे में, पानी किस वजह से एब्जॉर्ब हुआ किस तरीके से, इसके बारे में पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 9.4। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योर सेल्फ इंटू थ्री टीम, इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको तीन टीम की ज़रूरत पड़ेगी। नेम द टीम ए बी सी, जिस तीनों टीम का हम नाम भी रखेंगे टीम बनाने के बाद, टीम ए टीम बी और टीम सी। यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पास फ्रॉम डाउन द सॉइल, आपको ये फाइंड करना है कि मिट्टी से पानी कितनी जल्दी बाहर निकल रहा है, यानी मिट्टी से पानी कितनी जल्दी बाहर चला जा रहा है। यू विल नीड ए हॉलो सिलेंडर और ए पाइप, आपको एक खोखला सिलेंडर चाहिए या एक पाइप चाहिए, एक खोखली पाइप चाहिए। इंश्योर डैट ईच टीम यूजेज पाइप ऑफ सेम डायमीटर, और सबको ये इंश्योर कर लेना है, तय कर देना है कि सभी टीमों के जो पाइप होंगे उनका डायमीटर सेम होगा, अलग अलग डायमीटर की पाइप नहीं लेना है, सबको सेम डायमीटर का पाइप लेना है। सम सजेशन फॉर ऑप्टेनिंग सच ए पाइप आर गिवन बिलो, कुछ सजेशन दिया है कि हमें किस तरीके की पाइप लेना है उसको देख लीजिए। इफ पॉसिबल गेट ए स्मॉल टीन कैन एंड कट ऑफ इट्स बॉटल, अगर संभव हो पाइप ना मिल पा रहा हो तो कोई छोटा सा कैन ले लें और उसके बॉटम को जो उसकी तली होती है उसको काट दें। इफ पीवीसी पाइप अप्रॉक्स पाइप डायमीटर 5 सेंटीमीटर इज एबल टू कट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस एंड यूज देम, और यदि पीवीसी पाइप मिल जा रहा है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका डायमीटर अप्रॉक्स 5 सेंटीमीटर हो और इस हिसाब से वो क्या हो उनको कट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस, और उनको 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस में काट लेना, उसके बाद उसको यूज़ करना है। तो चलिए ये तो हो गया पाइप किस तरीके से लेना है, अब हम देखते हैं कि इस एक्टिविटी में करना क्या है। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड, उसके बाद से हमें क्या करना है कि उस जगह पे जहाँ से हम मिट्टी लिए हैं उस जगह पे इस पाइप को हमें गाड़ देना है, लगभग 2 सेंटीमीटर उसको अंदर तक गाड़ देना है। पोवर 200 ml वाटर इन द पाइप स्लोली, उसके बाद उस पाइप में लगभग 200 ml पानी हमें धीरे धीरे डालना है। फॉर मेजरिंग 200 ml वाटर कैन बी यूज इन इम्पटी 2 ml वाटर, नोट द टाइम वेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर, और जब हम उसमें पानी डाल रहे होंगे तो हमें उसमें पानी डालते समय उसका समय भी नोट करना है। तब
हम फिर हमें एक बॉटल ले लेना है 200 ml का, उसमें 200 ml पानी डाल के उसी पाइप में हमें डालना है। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर, और जब जैसे ही हम पानी डालना शुरू करेंगे जैसा कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है, हम तुरंत टाइमर भी ऑन कर देंगे। व्हेन ऑल वाटर हैज़ परकोलेटेड, जब हम सारा पानी उसमें डाल लेंगे, लीविंग द पाइप इम्पटी, नोट द टाइम अगेन, हम उसमें डाल लेंगे तब तक जब तक कि वो पाइप इम्पटी ना हो जाए, खाली ना हो जाए। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग, और इसका भी हमें ध्यान रखना है कि जब हम इसमें पानी डाल रहे हों तो ना ही पानी यहाँ से गिरे और ना ही कहीं से रिसके बाहर आए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ये प्रिकॉशन हमें लेना है। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन बाई यूजिंग द फार्मूला, तो इसको यहाँ पे हमें एक फार्मूला मिल जाएगा जिससे हम परकुलेशन रेट का पता लगा सकते हैं। तो परकुलेशन क्या क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वाटर, हम कितना पानी ले रहे हैं, परकुलेशन टाइम, और कितने समय में वह पानी उस मिट्टी में जा रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज दैट फॉर ए सर्टेन एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पे सपोज़ कर लेते हैं दिए हुए सैंपल के हिसाब से 20 मिनट लग रहा था 200 ml पानी को परकोलेट होने में, यानी जो पानी हम लिए थे जिसको हम बॉटल से उस पाइप में डाल लेते उसको लगभग 20 मिनट लग रहा था उस 200 ml पानी को परकोलेट होने में, यानी उस मिट्टी में सोखने में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना पानी था 200 ml, तो उसको हम कहाँ लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे न्यूमरेटर में, और साथ ही साथ उसमें कितना टाइम लग रहा था इसको हम लिख लेंगे डिनोमिनेटर में। जब इन तीनों का डिवीज़न करेंगे तो क्या आएगा, 10 ml पर मिनट आएगा आंसर। अब आगे देखते हैं, कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन इन योर सॉइल सैंपल, कंपेयर योर फाइंडिंग विथ अदर एंड अरेंज द सॉइल सैंपल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर रेट ऑफ परकुलेशन। इस तरीके से तीनों टीमें अपने अपना प्रैक्टिकल करेंगी और इस तरीके से तीनों टीमों को उनका उनका परकुलेशन रेट पता चलेगा, परकुलेशन रेट के हिसाब से वो उस सॉइल को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। अब देखते हैं मॉइस्चर इन सॉइल, मॉइस्चर सॉइल में नमी किस तरीके से होती है। हैव यू एवर पास थ्रू अ फार्म लैंड ड्यूरिंग ए हॉट समर डे, Perhaps you have noticed that air above the land is simmering. Why it is so? Try out this activity and find the answer. क्या कभी कभी आप ऐसे फार्म यानी खेत वाले रास्ते से गए हैं गर्मियों के दिनों में, तो वहाँ शायद वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ की जो लैंड होती है वह सिमरिंग करती है। Why it is so? ऐसा क्यों होता है? तो हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें इस चीज़ का पता चलेगा। Take a boiling tube. हमें एक boiling tube ले लेना है। पुट 2 spoonful ऑफ सॉइल सैंपल इन इट, हमें इसके बाद इसमें हमें डालना है सॉइल का सैंपल डालना है, यानी हमें मिट्टी डालना है। हीट इट ऑन द फ्लेम, उसके बाद हमें गर्म करना है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। हमें एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, उसमें मिट्टी का सैंपल डाल देंगे, उसके बाद हमें उसे गर्म करना है और उसके बाद उसको हमें ऑब्जर्व करना है, ध्यान देना है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन अपॉन हीटिंग, और ये देखना है कि जब हम उसको गर्म करेंगे तो उसके साथ क्या होता है। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर, क्या आपको उसमें कुछ पानी की बूंदें दिखाई दे रही हैं जब वो गर्म हो रहा है। इफ़ येस वेयर डिड यू फाइंड देम, यदि हाँ तो कहाँ दिख रही है उसे आप पता करें। ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉयल इवापोरेट्स मूव्स अप एंड कंडेंसेस ऑन द कूलर इनर वॉल ऑफ़ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसमें से नमी निकलने लगेगी, जो मिट्टी में नमी होती है वो निकलने लगेगी, धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगी और पानी के बूंद के रूप में उस टेस्ट ट्यूब में ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाएगी। ऑन अ हॉट समर द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड एयर अबव द सॉइल सीम्स टू सीमर। ऐसा ही सेम उसी ऐसा ही फार्म लैंड के साथ होता है कि जब मिट्टी पे धूप पड़ती है गर्मियों के दिन में तो वो क्या हो जाता है, उसमें से मॉइस्चर निकलने लगता है, इसीलिए फार्म लैंड में हमें इस तरीके का महसूस होता है। After heating the soil, take it out of the tube. अब उसको मिट्टी को गर्म करने के बाद हमें टेस्ट ट्यूब से उसे बाहर कर लेना है। Compare it with the soil which had not been heated, और उसमें उस मिट्टी के साथ कंपेयर करना है जिसको हमने गर्म नहीं किया, और दोनों के बीच में हमें डिफरेंस नोट करना है। अब आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल वाटर बाई सॉइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यानी पानी का सोखना किसके द्वारा, मिट्टी के द्वारा, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।